नमस्कार दोस्तों I am sure कि हर साल आप वर्ल्ड फोरम के बारे में सुनते होंगे कि हर साल जो समिट है समिट, वो आपका कंडक्ट किया जाता है लेकिन पिछले दो वर्ष से पैंडेमिक को देखते हुए ऑनलाइन समिट कंडक्ट किए जा रहे हैं और इसी को यहां पर आप देखेंगे तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने कल देर रात को यहां पर इस समिट के अंदर पार्टिसिपेट किया मतलब कि स्पीच डिलीवर किया और इसके माध्यम से बेसिकली विश्व के जितने भी लीडर्स हैं आप देखोगे चाहे चाइना के, चा, के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हो गए जापान के प्राइम मिनिस्टर हो गए बहुत सारे जो वर्ल्ड के लीडर्स होते हैं और इसके अलावा जो बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो बिजनेस लीडर्स होते हैं वो सब वहां पर आकर मिलते हैं और बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि जब दोनों के द्वारा यहां पर मुलाकात की जाए एक पर्टिकुलर जगह पर और वहां पर हर एक देश अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है इन्वेस्टमेंट को और उस देश का जो पक्ष है वो रखने की कोशिश करता है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि एग्जैक्टली प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारत के लिए क्या कहा गया और यहां पर ज्यादातर बल यह दिया गया कि किस तरह से इस समय भारत के अंदर आप ऑपर्चुनिटी तलाश सकते हैं निवेश करने के लिए क्योंकि इस समय चाइना के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो पूरा विश्व काफी ज्यादा परेशान है और इसी की वजह से वो दूसरा अल्टरनेटिव तलाश रहा है और कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए बेस्ट प्लेस ऑन अर्थ आप कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा बोला गया कि वो भारत है आप यहां पर आकर निवेश कर सकते हैं तो काफी कुछ जानने को है इस वीडियो के अंदर चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्टडी विजिट कर सकते हैं वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है जैसा मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो दावो

जी के द्वारा ही यहां पर दिया गया है जहां तक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के शुरुआत की बात है मैं आपको बता दूं 50 साल से ज्यादा हो चुका है 1971 में इसको बनाया गया था लेकिन शुरुआत में इसका नाम था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम मतलब यूरोप को ही बेसिकली ये कवर करता था आगे चलकर इसका नाम नाइनटीन में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर दिया गया था और इसका जो मेन मकसद होता है बेसिकली एक प्रकार का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां पर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जैसे कि अभी कोविड चल रहा है उससे रिलेटेड यहां पर चीजों के बारे में बात की जाए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों के बारे में बात की जाए तो ध्यान रखना है आपको ये इंटरनेशनल एनजीओ है अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि किसी देश का है स्विट्जरलैंड ऐसा नहीं है यह एक प्रकार का इंटरनेशनल एनजीओ है नाइनटीन में इसको बनाया गया था लेकिन कई बार इसका क्रिटिसज्म भी होता है कि यहां पर जो वेल्दी लोग हैं वो लोग आकर पार्टिसिपेट करते हैं सिर्फ जो जनरल पब्लिक की है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता बहुत ज्यादा कॉस्ट आता है इसको कंडक्ट करने में और यहां पर जो ग्लोबल एलिट हैं वही आकर यहां पर चर्चा करते हैं लेकिन जो ब्रॉडर सोसाइटी की जो मांग है उसके ऊपर उतना शायद ध्यान नहीं दिया जाता जहां तक इस बार के वीक लॉन्ग जो पूरा समिट चलेगा इसके अंदर बताया जा रहा है कि दो वर्चुअल समिट कंडक्ट किए जाएंगे एक एक होगा स्पेसिफिकली रिलेटेड टू कोविड 19 और दूसरा होगा टेक्नोलॉजी कॉपरेशन रिलेटेड इन दी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ठीक है तो दो यहां पर होगा और इसके अलावा और भी कई सारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के अलावा आगे आने वाले समय में आपको मिलेगा जैसे जापान के प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन इनफैक्ट जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ने, नेफ्ताली बेनेट वो भी पार्टिसिपेट करेंगे और साथ ही साथ जो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उनके द्वारा भी यहां पर पार्टिसिपेशन किया जाएगा लेकिन यहां पर हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि पीएम मोदी ने यहां पर क्या क्या बोला है अलग अलग मुद्दों को लेकर

में यहाँ पर भारत ने पूरे विश्व को एक प्रकार से बुके ऑफ होप दिया है और यहां पर जो बुके ऑफ होप की वो बात कर रहे थे उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि हम चार चीज दे रहे हैं तीन चार चीज दे रहे हैं। जैसे कि ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी यह हमने विश्व को प्रोवाइड किया है इसके अलावा जो हमारा रिलायंस है टेक्नोलॉजी के ऊपर वो हम यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं इसके अलावा जो देश का टेम्परामेंट होना चाहिए टैलेंट होना चाहिए वो हमने विश्व को यहाँ पर प्रोवाइड किया है तो ये बुके ऑफ होप इसी की यहाँ पर पीएम मोदी ने चर्चा की इसको ध्यान में रखिएगा और आप कई सारे आंसर्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड चीजों को देखते हुए पी मोदी ने यह कहा कि जो भारत ने विजन अपनाया था वो ये था वन अर्थ वन हेल्थ और इसके तहत यहाँ पर हमने जो करोड़ ऑफ लाइफ्स है पूरे विश्व की उसके अंदर जान बचाने की कोशिश की है जैसे कि हम काफ़ी सारा जो वैक्सीन्स है कई से कई से सारे देशों को यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं इस समय अगर आप देखोगे तो भारत वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट फार्मा प्रोड्यूसर है प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखिए तो इसके अलावा कोविड नाइन्टीन के अलावा क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी उन्होंने फोकस किया और बेसिकली उनका बार बार देखा अगर आप पीएम मोदी का क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई भी भाषण देखोगे तो बार बार वो ये कहते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है जो लोगों का बिहेवियर है उसके अंदर हमें चेंज लाने की आवश्यकता है आज के डेट में अगर आप देखोगे जो जो हमारे कंज्यूमरिस्ट माइंडसेट है उसको हमें हटाना पड़ेगा आज के डेट में ज्यादातर यूज एंड थ्रो की पॉलिसी होती है कोई भी चीज हम इस्तेमाल करते हैं हैं उसको के नहीं सोचते हैं, यूज एंड डिस्पोज कर देना इसको हमें कहीं ना कहीं बदलाव करना पड़ेगा तब जाकर हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर सीरियस हो पाएंगे तो बेसिकली उनका यह कहना था कि हमें सर्कुलर इकॉनमी की तरफ मूव करना पड़ेगा आज के डेट में क्या होता है टुडे टेक मेक यूज एंड डिस्पोज इस तरह की हम इकोनॉमी को अपनाते हैं रादर देंड दिस हमें एक सर्कुलर इकोनॉमी जो इस्तेमाल किया उसको वापस रिसाइकिल करके फिर इस्तेमाल करना इसकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा और इसके लिए उन्होंने कहा कि जो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट है उसके अंदर हमें बदलाव करना है और इसीलिए उन्होंने एक नारा दे दिया थ्री पी का थ्री पी से मतलब है उनका प्रो प्लैनेट पीपल तो इस पर्टिकुलर जो थ्री पी है आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं यह काफी आपको मदद करेगा एग्जाम टाइम में इसके अलावा अगर हम बात करें इन्वेस्ट इन इंडिया की मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया उनका कहना था कि भारत में आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है निवेश करने के लिए तो उनका कहना था कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी अच्छा प्रमोशन प्रमोट कर रहे हैं उसको ज्यादा ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं आज के डेट में कॉर्पोरेट टैक्स रेट हमने काफी कम कर दिया है जिसकी वजह से भारत मोस्ट कॉम्पिटेटिव कंट्री बन गया है क्योंकि पच्चीस हजार कम किया है मतलब कि जो अगर आप निवेश करना चाहते हो भारत में तो पहले आपको बहुत मुश्किल आती थी करने होते थे अब आपको काफी कम करना होगा और भारत कोशिश कर रहा है कि जो ग्लो सप्लाई चेन है उसमें एक बड़ा हिस्सा बन सके इसके अलावा आपने देखा होगा कि भारत कोशिश कर रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अलग अलग देशों के साथ हम कर सकें अभी जस्ट कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था कि यूके के साथ भारत जो है वो फ्री ट्रेड नेगोसिएशन को लेकर स्टार्ट कर चुका है बातचीत जारी है और बहुत ही जल्द इस पर भी एक काफी बड़ा सक्सेस हमें मिल सकता है तो इन सारे चीजों को देखते हुए पीएम मोदी बेसिकली एक प्रकार से इनवाइट कर रहे थे फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडिया क्योंकि भारत में जो यूथ है वो कोई भी चैलेंज लेने के लिए रेडी है जो है, जो बिजनेस है आइडियाज हैं उसको भारत का यूथ लेने के लिए रेडी है तो आप भारत के अंदर आकर निवेश कर सकते हो क्योंकि हमारे पास जो ग्लोबल स्किल है अगर आप देखोगे तो उसकी वजह से भारत ने दो में अकेले दो में सिक्सटी थाउजेंड स्टार्टअप यहां पर रजिस्टर किए जस्ट इमेजिन अगर आपको याद हो दो हजार के वहां पर स्टार्टिंग में सिर्फ 100 स्टार्टअप्स आए थे लेकिन आज के डेट में 60,000 स्टार्टअप्स ये भारत ने यहां पर रजिस्टर किया है इसके अलावा भारत ने करीब आपको 50 लाख से ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ये देखने को मिलेंगे जो कि भारत की स्ट्रेंथ है तो बेसिकली ये एक अच्छाई बता रहे थे भारत की ताकि जो भारत भार, बाहर के निवेशक हैं वो यहां पर आकर निवेश कर सकें इसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने काफी फोकस किया और कहा कि छह लाख से ज्यादा विलेजेस को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सका है ताकि आप अगर आप निवेश करते हो भारत में आते हो कुछ भी करते हो तो आप हर एक गांव गांव के साथ जो है कनेक्ट कर पाएंगे इसके अलावा यहां पर हर एक स्टेक होल्डर मतलब कि प्लानिंग प्रोसेस में डेवलपमेंट में जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं सोसाइटी के अंदर आम आम नागरिक से लेकर जो भी इम्पॉर्टेंट पर्सनस हैं उसको हम जोड़ने के लिए यहाँ पर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लेकर आए हैं इसके ऊपर मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया आप देख सकते हो लेकिन इसके तहत बेसिकली क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंप्लीमेंटेशन हर एक चीज को एक एक दूसरे मिनिस्ट्रीज के साथ कनेक्ट किया जा रहा है ताकि जो जो प्रोसेस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का वो तेज़ी से हो सके मतलब कि गुड्स पीपल और सर्विसेज को काफ़ी आसानी से यहां पर कनेक्ट किया जा सके इसके अलावा यहां पर फर्दर उन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया और यह कहा कि भारत में जिस तरह से चीज़ें टर्न आउट हुई हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर यह काफ़ी एक स्ट्रेंथ बन गया है भारत के लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आरोग्य सेतु ऐप हो गया जिसके माध्यम से कोरोना इन्फेक्शन को ट्रैक किया गया कोविन पोर्टल आज आज के डेट में आप देख रहे हो कि काफ़ी बड़ा काम कर रहा है ताकि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो आसानी से हो सके जिसके लिए भारत प्राउड है और इसी को देखते हुए बहुत सारे जो बड़े देश हैं उन्होंने भी इस चीज़ को नोटिस किया कि भारत इतना बड़ा आबादी का देश इतने आसानी से चीजों को कैसे कर पा रहा है इसके अलावा गुड गवर्नेंस के ऊपर भी उन्होंने फोकस किया और यह कहा कि जो पहले एक छवि होती थी कि सरकार जो है वो लगातार इंटरफेयर करती रहती है बिजनेस के अंदर वो हमने करना बंद कर दिया उसको हमने रिड्यूस किया है इसके अलावा कई सारे जो इन्वेस्टमेंट के और और एरियाज हैं वो वो यहाँ पर सामने निकल कर आए हैं जैसे कि आपने देखा होगा रिसेंटली सरकार ने ड्रोन ड्रोन सेक्टर हो गया स्पेस सेक्टर हो गया जियो स्पेशल जो मैपिंग वगैरह का सेक्टर हो गया उसको डी किया है आम नागरिकों के लिए खुला है प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला है इसके अलावा जो टेलीकॉम सेक्टर था जो आउटडेट हो गया था उसमें भी एक काफी बड़ा रिफॉर्म लेकर आए हैं तो ये गुड गवर्नेंस का कुछ एग्जांपल यहां पर दिया और फाइनली आखिरी में मैं बता दूं क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी बोला गया है पीएम मोदी जी के द्वारा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर उन्होंने बेसिकली कहा कि एक इमर्जिंग चैलेंज है बेसिकली वो ये कह रहे थे कि विश्व भर में एक यूनिफॉर्म अप्रोच होना चाहिए क्रिप्टो को लेकर क्योंकि आज के डेट में आप देखोगे कुछ देश ऐसे हैं जो कि इसको रिजेक्ट कर रहे हैं आ, हटा दे रहे हैं पूरी तरह से कुछ देश जैसे एल सेल्वाडोर हो गया उन्होंने तो इसको ऑफिशियल करेंसी बना लिया है और इसलिए उनका कहना था कि यहां पर हमें एक ऑल्टरनेटिव क्रिप्टो मोनोपोली को लेकर एक कुछ ऑल्टरनेटिव लाने की आवश्यकता है मतलब कि विश्व एक यूनिफॉर्म अप्रोच अपनाए अगर हर एक देश अलग अलग दिशा में जाएगा तो यहां पर क्रिप्टो करेंसी

कि च ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 किसने निकाला है इसका राइट right आंसर आपको पता ही है मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर मैं कई सारे एमसीक्यूज जो है वो लगातार स्टोरीज में डालता रहता हूं वहां से जाकर प्ले कर सकते हैं बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए आई होप की वीडियो आपको पसंद आएगा मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम टिल देन थैंक यू वेरी मच सी यू देरी